हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट नंबर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न है समाज कार्य के। NTA UGC नेट और MP सेट, साथ ही साथ DSSSB की सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को। इसकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टाइमिंग रखी है UGC नेट की, दिसंबर 2024 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि सिलेबस बड़ा होने के नाते मैंने दिसंबर 2024 की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 31 अगस्त से टू 4 सितंबर 2024 के बीच में ही एक डेट निर्धारित होगी जो सोशल वर्क का एग्ज़ाम होगा उस दिन, तो वो जल्द ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे हैं मेरे यहाँ से, उनको भी क्लासेस मैं इस समय प्रोवाइड करा रहा हूँ जो दिसंबर 2024 के ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में मैं उन लोगों को, जून के बच्चों को भी लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। डेली UGC नेट सोशल वर्क की जो क्लासेस का समय है वो निर्धारित किया गया है शाम को 7 to 8 PM। और यूनिट नंबर 1 UGC नेट का सोशल वर्क का आपका हो गया है समाप्त, यानी फिनिश। अब इन्हीं के संबंध में हम लोग जो है प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। हालांकि आज मैं जो आप लोगों से यहां पे प्रश्न पर बातचीत कर रहा हूं, ये वीडियो बेसिकली पब्लिक है। इसके बाद जो भी प्रश्न आप लोगों से डिस्कस होने वाले हैं या व्याख्या के साथ जो भी प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे वो बेसिकली अनलिस्टेड होंगे, यानी प्राइवेट वीडियोज़ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 4000 रखी गई है। आपको प्रतिदिन 7 to 8 PM क्लास मिलेगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोगों को वीक में मिलती रहेंगी। जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं अदर एग्ज़ाम की, जैसे मेरे यहाँ MP सेट की भी क्लास चलती है, DSSSB की भी क्लास चलती है, उसमें आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा लिंक आपको दिया जाएगा और वो भी मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों को। बाकी तो अस्थाई रूप से फिक्स है UGC नेट की क्लास का समय शाम को 7 से 8। ठीक है, चलिए मैंने यूनिट नंबर समाप्त कर चुका हूँ फर्स्ट वाला, तो अब उसी के संबंध में सवाल करते हैं। सवाल पहला कहता है कि समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 2, समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवतावादी दर्शन। इन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं हल करने वाला हूँ शाम को 7 से 8। याद रखिएगा किस तरीके से इसका ये उद्देश्य मानवतावादी बना, एकांतवादी दर्शन नहीं, समाजवादी दर्शन नहीं, उदारवादी दर्शन नहीं, क्यों, इन सभी पर डिस्कशन मैं आप लोगों से जब लाइव क्लास लूँगा 7 to 8 PM पर, वहाँ पर डिस्कस करूँगा। फिलहाल इतना देखे रहिए कि समाज कार्य के संबंध में यूनिट नंबर 1 के संबंध में ये प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में बनाए जाते हैं। अगला सवाल, सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जवाब होगा वैज्ञानिक ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। हेलन क्लार्क या लेन क्लार्क के नाम से इनको भी जाना जाता है। इसके वर्स और इस किताब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे शाम को 7 to 8 वाली क्लास में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सही जवाब आप 18वीं शताब्दी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ है। आप बता सकते हैं व्यावसायिक रूप में विकसित हुआ है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके UGC नेट में पूछे जाते हैं। जून की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिकली पेपर कैंसिल हो गया, अब तो अगस्त है, सितंबर के बीच में है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार की प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब अगर मैं बात करता हूँ तो वैज्ञानिक होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब होगा गुड्डे एंड हार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुख्य लक्ष्य क्या है, तो समाज तथा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना,
ये समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है निम्न ऑप्शनों में कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा माना जा सकता है जो आज के समय में चल भी रहा हो, तो वो बेसिकली ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा है। सी क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? हालांकि क्षेत्र है, ये सभी शामिल किए जाएंगे इसमें, आपका वृद्ध हो जाएगा और ग्रामीण हो गया, पर्यावरण संतुलन हो गया, ये सभी बेसिकली इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप जवाब दे सकते हो, सामाजिक प्रतिरक्षा, अपराधी सुधार, सामाजिक नीतियां, नियोजन, विकास या सामाजिक न्याय व्यवस्था एवं प्रोत्साहन। साथ ही साथ आप कह सकते हो उपर्युक्त, सभी यहां पर करेक्ट जवाब होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सबको देख रहना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बात करते हैं कॉस के द्वारा समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों से डीप में चर्चा किया है और आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है यूनिट के क्रम में। यूनिट नंबर 1, आप सभी लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां पेड वाले बच्चों को बता रहा हूं, वहां पर आप लोगों को यूनिट के क्रम में पीडीएफ आपको डाल दी गई है। पूरी टोटल यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ वहां पर पहुंच गई है और वीडियो का प्लेलिस्ट, जितनी भी वीडियोस यहाँ पर इसको करवाया गया है यूनिट नंबर 1 में, वो सारी वीडियोस भी आपको टेलीग्राम पर पहुंच गई है। तो यूनिट आपका 1 समाप्त हो चुका है। आज शाम को 7 to 8 वाले में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली यूनिट 2। और क्या डिस्कस करेंगे अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ बन गई है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। यूनिट नंबर 2 में समाज, मानव व्यवहार और समुदाय, इन पर आज की क्लास हमारी डिस्कशन होने वाली है। बेसिक अवधारणा के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इसी क्लास में शाम को 7 to 8 वाले में, जो है सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, पूरे व्यापक स्तर पर ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये तो बेसिकली यूनिट है, क्रम से मैं सारी चीज़ें लेकर आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ आज शाम को। और सामाजिक संरचनाओं के बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे आप सभी लोग, सभी लोग शाम को ज्वाइन करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, क्योंकि यहाँ आप सभी लोगों को परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो प्रश्न कुछ इन्हीं पीडीएफों में से निकल के आते हैं। तो प्लीज़ आज शाम की क्लास आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि किसका उल्लेख नहीं किया कौस महोदय ने क्वेश्चन नंबर 12 में, तो आप बता सकते हो गोपनीयता के महत्व के बारे में इसने नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समाज कार्य में मतभेदों के संदर्भ में व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देना चाहिए? तो सही जवाब इसका बेसिकली सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। व्यक्तियों को पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान को रिलेट कराता है? तो आप सही जवाब बता सकते हो किसका, गैसल कोनफ का नाम। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 14 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। समाज कार्य से संबंधित कार्यों में व्यवसाय संबंध को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब बेसिकली आप बता सकते हो गोपनीय। और समाज कार्य के अनुसार आर्थिक भूमिका, प्रदत्त परिस्थिति, देखिए ये आपको आज शाम की क्लास में मिलेगा, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, परिस्थिति की अवधारणा किसने दिया, इसका विकास किसने किया, इन सभी तथ्यों पर बातचीत हमारी शाम को होने वाली है। तो 16 का सही जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पे, उपलब्धि के मानक होना चाहिए। समाज कार्य मूलभूत रूप से किस पर विश्वास करता है? क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब आप बता सकते हो सामाजिक न्याय पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 18, समाज कार्य के लक्ष्यों के प्रति में किसे शामिल नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, जवाब बता सकते हो कि समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे राजनीतिकरण आ गया, पॉलिटिशियन नहीं होता भाई, यहाँ पे केवल सोशल वर्क होता है। लोगों के विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, लोगों का कल्याण किया जाता है, विकार समस्याओं का समाधान किया जाता है और एक सिस्टमैटिक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढांचे को प्रोवाइड कराया जाता है। ये होता है सोशल वर्क का लक्ष्य। वहीं बात करते हैं सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है, यह कथन किस विद्वान को रिलेट कराता है? गार्टन हैमिल्टन का। क्वेश्चन नंबर 20, समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का स्वरूप किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में आप कह सकते हो सहायता मूलक व्यावसायिक सेवा होता है। क्वेश्चन नंबर 21,
कहता है कि व्यक्तिक आधार पर समाजकाली का मुख्य आधार क्या माना जाता है। सही जवाब आप लोग दे सकते हो यहाँ पर, समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने से। ठीक है, यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर जाना चाहिए वो बेसिकली बी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी देशों में समाजकारी सर्वप्रथम किस रूप में प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी देशों की बात बता रहा हूँ, अभी हाल ही में मैंने हिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट की सबसे लास्ट क्लास क्या था, इतिहास था, और उसी में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आप जवाब बता सकते हैं, और ऑप्शन जाएगा धार्मिक, ठीक है, कैथोलिक चर्च वाला, याद आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23, समाजकारी के संबंध में सर्वप्रथम किस देश में विधिवत कानून बनाया गया है। 23 का सही जवाब क्या होना चाहिए, इंग्लैंड, यूके। इंग्लैंड में समाजकारी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस वर्ष लंदन चैरिटी संगठन की स्थापना की गई थी, 1869 को। क्वेश्चन नंबर 25, समाजकारी के उद्देश्य में या उद्देश्य से 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए 1877 में किसने यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का हूबहू कॉपी कर लिया, अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, समाजकारी से संबंधित कार्यों के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण देने का प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में समाज कल्याण प्रचलन, भारत में समाज कल्याण की बात कर रहा हूँ, प्रचलन की शुरुआत किस रूप में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब, दान प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी भारत में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, गोपाल कृष्ण गोखले, कमेंट करना गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु रहे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में समाज कार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कहां पर हुई थी, आप बता सकते हैं, 29 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। किसने किया था, सर दोराबजी ने किया था। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 30, समाजकारी का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित होता है सोशल वर्क। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों पर हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में पूरे व्यापक लेवल पर बात हुई है। ये मैं जब आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा 7 to 8 वाली क्लास में, अभी आज नहीं होने वाली है इसकी 7 to 8 वाली में, रीज़न भी बता देता हूँ आज क्यों नहीं होगी, क्योंकि MPPSC का एग्ज़ाम 4 तारीख को है और उनका है सोशोलॉजी सब्जेक्ट, और सोशोलॉजी के वो बच्चे मेरे से क्लास ले चुके हैं, अतः मैं इसलिए आप लोगों को यूनिट नंबर सेकंड पर बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि MPPSC के बच्चों का थोड़ा सा वहाँ पर रिविज़न होगा, तो MPPSC के बच्चों को भी लिंक वो जाएगा, इस वजह से आज यूनिट नंबर सेकंड, अदरवाइज नहीं तो मैं आप लोगों की क्लासेस चलाता प्रैक्टिस और इन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों के व्यापक स्तर पर व्याख्या के साथ बताता। ठीक है, फिलहाल आप निश्चिंत रहें, आप लोगों के प्रैक्टिस तो होगी, जैसे इन लोगों का पेपर 4 को फिनिश होने के बाद क्लास अपने निर्धारित समय पर सभी सुचारू ढंग से आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी। आज की क्लास में MP सेट वाले भी बच्चे ज्वाइन रहेंगे, क्योंकि MP सेट का भी वो सिलेबस है उसमें। ठीक है, देखिए, यदि आप MP सेट के ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, बेसिकली ये जो है सोशोलॉजी की क्लासेस हैं, इसकी फीस मात्र 3000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरा कंटेंट है, पूरी वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट है, PYQ वगैरह सब कुछ शामिल किया गया 3000 में। वहीं अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट की तैयारी वो भी दिसंबर के लिए, तो उसकी फीस 4000 रखी गई है, ठीक है ना, और सिलेबस मैंने पहले से ही आगे से ही स्टार्ट कर दिया है आपको सब। देखो, अगर क्लास आपको लेनी है तो शुरुआत से लीजिए, सिस्टमैटिक ढंग से लीजिए, ताकि जो भी मैं क्लासेस में कवर कराऊं वो आपको PDF और वीडियो का लिंक आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में मिलती रहे, है ना, तब आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। अब आप जब दो महीने बचते हैं, एक महीने बचते हैं, तो आप सोचते हैं फीस सस्ती हो जाती है, तो उस वजह से क्लास लें। देखिए, वहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई, सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि एक महीने से और दो महीने से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, ये अगर कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है या कोई शिक्षक बोलता है, तो ये इतना आसान नहीं है जो UGC नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, कि UGC नेट का एग्ज़ाम आप 2 महीने में पढ़ के, ये डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर नहीं, डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होता था कि भाई पूरे साल भर आपने ओपन से किया, जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है सुबह 1 घंटा अपनी सीरीज उठाया और पढ़ लिया, जाके लिख के चले आए, उसमें आप पास हो जाते थे, वो मानता हूँ मैं बात कि आप पास हो जाओगे, लेकिन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्ट, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न कुछ भी हो सकता है ना। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको स्टडी सुचारू ढंग से एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से आपको करनी पड़ेगी,
और साथ ही साथ आप लोगों को मैं नोट्स बनवाता हूँ शॉर्ट, वो बड़ा मायने रखता है क्योंकि परीक्षा के दौरान वही काम में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, समाज कार्य अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आप बता सकते हैं 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, समाज कार्य की राजनीतिक हितों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 सही जवाब आप बता सकते हो मुझे, ऑप्शन नंबर बी 1951। ठीक है, 32 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि कहता है कि भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आप बता सकते हो, सही जवाब बेसिकली राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। धर्म और समाज सुधार के प्रति आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहां पर किया था? ये भी बता सकते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। वेदों की ओर लौटो ये नारा है सामाजिक सुधार के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 35 जवाब दे सकते हैं दयानंद सरस्वती जी। क्वेश्चन नंबर 36 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व में समाज सुधार संबंधित अभियान किसने चलाया? आप जवाब इसका भी दे सकते हैं 36 क्योंकि ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट ने। मैं सभी पर बातचीत कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां? अडियार में है, आपको बताना भाई यहां पे कमेंट करके वर्ष वो कौन सा था। ठीक है, ये वर्ष कौन सा था। ठीक है, यदि आप समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8506031308। ठीक है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूरी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, आज 27 जुलाई है। ठीक है, आप लोगों का बेसिकली लगभग मान चलिए जो अभी अगस्त और सितंबर में होने वाला है, मान चलिए एक महीने से कम का दिन है आप लोगों के पास, तो इस बहाने आप सभी लोग जो है जो भी होने वाला है एक महीने बाद वाला पेपर ऑनलाइन वाला, उसकी तैयारी करें आप लोग। और इस समय आप सभी लोगों को एक एक यूनिट पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है और साथ साथ यूनिट वाइज क्वेश्चन करने की ज़रूरत है क्योंकि इस बार पेपर ईजी नहीं आने वाला है क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। देखो मैं पहले आपको सूचित कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पेपर ईजी आएगा, आया ऑफलाइन में। अब देखो इस बार पेपर, ये भी बता देता हूँ कि पेपर इस बार टफ आने वाला है, एक प्रकार से माइल्ड और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है इस बार। ठीक है, ऑनलाइन में, और कैसे मिलने वाला है ये आप लोगों को मैं बताता हूँ क्लास में कैसे। ठीक है ना, तो उस क्लास को आप सभी लोग आज शाम को ज्वाइन करिए और इम्पोर्टेंट क्लास होगी आप सबकी आज क्योंकि यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, चलिए।